नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस के 18 सितंबर 2017 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और आने वाले एग्ज़ाम सीएचएसएल और यूपीएसआई, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। और उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके आगे आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? महमूद गजनवी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजरी सन का आरंभ कब से हुआ था? हिजरी सन का आरंभ कब से हुआ था? 622 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासन काल में चहल या चालीसा 40 गुलामों के दल का संगठन था इल्तुतमिश के शासन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, ये है पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से चांद बीबी का संबंध था। हम्पी किस नदी के ऊपरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर स्थित है। तुजुक के बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारा चैनल, क्योंकि आज आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं सदी के आरंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुनावुक्कारासु नय अपार। इबादत के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालुक्य के राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया? पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ किया था? कन्नौज में किया था या प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के नमूने थे? भारत के जैन स्थापत्य कला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? नादिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि इमारतें महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या एक कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य था जियाउद्दीन परनी ने। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? काला शोक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित है होता था? नूरजहां। हाइडेस पीस का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 BC किसके मध्य हुआ था?
सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि उसकी किस उपलब्धि के लिए दी थी? 1574 में गुजरात में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? इब्राहिम खान गारदी। साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये क्वेश्चन MTS 2017 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ UPSI आने वाले एग्जाम CGL UPPCL वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी फॉर SSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में स्थित हुआ बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई? मोहम्मद हुसैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के संयम हो गई थी कलिंजर विजय में। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? फर्रुख सियार। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था क्रमशः गयासुद्दीन तुगलक व महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख है फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीरों की शिक्षाओं में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।